सोमवार और अंतिम सोमवार 19 अगस्त को आएगा, उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व है और इसी के साथ ही सावन का जो समापन है वो होगा। इस बार कुल मिलाकर के बात की जाए तो 5 सावन सोमवार पड़ेंगे। इस वक्त झारखंड वासियों मंदिर में आप तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देख सकते हैं कि सुबह से ही श्रद्धालुओं के आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार जारी है। और इसी के साथ ही देवस्थान विभाग की ओर से प्रदेश के जो प्रमुख मंदिर हैं, जो शिवालय है, वहाँ पर विशेष पूजा अर्चना का जो आयोजन है वो रखा गया है। और इसी के साथ ही आपको यह भी बता दें कि कल गुरु पूर्णिमा के पर्व पर भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से मंदिरों के अंदर प्रसाद है और श्रीफल है और जो संत महंत हैं उन सभी का वहां पर सम्मान किया गया था, उनको प्रशस्ति पत्र भेजा गया था। और इसी के साथ ही अब जो है आज से जो सावन शुरू हुआ है उसको लेकर के जो आमजन है उनके अंदर काफी उत्साह साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। आप आए हैं, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, किस तरीके से रहेगा पूरा? ये पहला सोमवार है भोलेनाथ का, इसके चरणों में बाबा ने बुलाया है तो जरूर जाएंगे और जलाभिषेक करेंगे, बहुत बढ़िया है। अपने कितने साल से आ रहे हैं आप मंदिर? हमको करीब 15 साल हो गए साहब। यहाँ देखिए, इनको कभी 15 साल से अधिक का वक्त यहाँ पर हो चुका है, ये लगातार यहाँ मंदिर आ रहे हैं। हमारे साथ और भी भक्त हैं, आप यहाँ आए, आज सावन का पहला सोमवार है, क्या कहेंगे? इस सोमवार को मैं प्रत्येक सोमवार को मैं आता हूँ यहाँ पर, हर बार भगत देखते हैं, हर सोमवार को देखते हैं तो 1500 आदमी पक्का आते हैं। और हर टाइम मैं जब से देख रहा हूँ, जब से बहुत अच्छा महाराज के पास आते हैं तो दर्शन करते हैं तो दर्शन से जो भी मांगी है वो सफलता पूर्ण होती है। मैंने जो भी मांगा, जो भी किया, वो मेरी सफलता पूर्ण हुई है, मेरे परिवार से पूरी सफलता पूर्ण हो रही है। और जब भी मैं तो यही मानता हूँ कि बाबा का सभी भक्त हैं, दिल से चाहेंगे तो सब कामना पूरी होगी। देखिए, इनका यही कहना है कि ये हर सोमवार के दिन मंदिर आते हैं और भगवान से भोलेनाथ से यहाँ पर जो मनोकामना मांगते हैं, जो भी मनोकामना मांगी जाती है वो भोलेनाथ पूरी करते हैं। जो झारखंड महादेव मंदिर है, इसका इतिहास है वो यहाँ काफ़ी पुराना यह मंदिर है, जिससे चलते जो जयपुर शहरवासी उनकी जो आस्था है वो इस मंदिर के अंदर काफ़ी लंबे समय से यहाँ से जुड़ी हुई है। और जो आस्था का जो सैलाब है वो आप साफ तरीके से तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि सुबह 4 बजे से ही मंदिर परिसर के अंदर प्रवेश शुरू हो गया था और तो तब से यहाँ पर लाइनें लगने का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी लगातार जारी है। और ऐसी अगर राजधानी जयपुर छोटी काशी के अन्य मंदिरों की बात की जाए तो वहाँ पर भी इसी तरीके का नज़ारा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। झारखंड महादेव मंदिर की बात की जाए, चाहे तारकेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए या छोटी काशी के अन्य शिवालय की बात की जाए, सभी जगह इसी तरीके का जो नज़ारा है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ ही आज सावन की शुरुआत हो गई है, भगवान भोलेनाथ का जो अभिषेक है वो किया जा रहा है। तो वहीं अगर कांवड़ यात्रा की बात की जाए तो पुष्कर है और दलता तीर्थ है, यहाँ से जो कांवड़ यात्रा का जो सिलसिला है वो लगातार आज से शुरू हो गया। शहर के विभिन्न मंदिरों के अंदर कांवड़ यात्रा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है अनूप। और एक बार फिर से हम आपको जोधपुर लिए चलते हैं। राकेश, शिव जी की पूजा तो एक लोटे जल से भी हो जाती है, उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन खास सोमवार, क्योंकि सावन के सोमवार है ये, क्या विशेष तरीके के जल अभिषेक वहाँ पर किए जाएंगे? किस तरीके से पंचामृत वहाँ से उनका किया जाएगा? और आज की खास आरती कितने बजे होने वाली है ये ज़रा बताइए। देखिए, भगवान भोले का श्रृंगार और जो है रुद्राभिषेक कुछ सुबह से ही चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तो विशेष पूजन अर्चन के बाद महाआरती होती है, करीब 11:30 बजे के आसपास जो है वो महाआरती का आयोजन होगा। आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण में जो है भक्तों का लगातार जो ताता लगा हुआ है, सुबह से ही आज सवेरे 4:30 बजे से ही भगवान भोलेनाथ के मंदिर में भक्तों का आना रहना शुरू हो गया था। ऐसे में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है हर भक्त अब इस पूरे सावन महीने में जो भगवान भोलेनाथ की लगातार जो है पूजन अर्चन करेगा, हर एक लोटा जल भी बहुत है, लेकिन उसके बावजूद भी हर भक्त अपनी मनोकामनाएं अलग अलग, कहा जाता है कि भगवान को जल को चढ़ाने से मन को शांति मिलती है, उसी तरह से गेहूं को चढ़ाने से समृद्धि आती है, अलग अलग जो रिवाज है, परंपराएँ प्राचीन है, प्राचीन रिवाज है, उस हिसाब से हम बात करेंगे, कुछ भक्तों से ही बात करेंगे। आप प्राचीन समय से ही आ रहे हैं, क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की बहुत मान्यता है। अभी आप जबरेश्वर महादेव मंदिर में हैं, यहाँ सावन के पवित्र मास में रोजाना सुबह 5:30 बजे से अभिषेक किया जाता है और 8:15 बजे महाआरती होती है, उसमें भव्य महादेव जी का श्रृंगार होता है। और इसी दिन और इस मंदिर के अंदर 12 महीने तक महाशिवलिंग का हर तरीके से अलग अलग अलौकिक श्रृंगार किया जाता है और डेली आरती की जाती है। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन समय से है, इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और महादेव जी की बहुत बहुत कृपा रहती है। और यहाँ महादेव जी के बाद बालाजी की भी यहाँ आरती की जाती है और ये शिव मंदिर बहुत बहुत ही बालाजी की मूर्ति भी यहाँ चमत्कारी है
और सोमवार के दिन यहाँ बहुत भारी संख्या में भक्त रहते हैं और महाआरती का आनंद लेते हैं। यहाँ रोज अलग अलग तरीके से श्रृंगार किया जाता है महादेव जी का, और आप देख सकते हैं बहुत सारी भीड़ है आज महादेव जी के यहाँ। भगवान भोले का अभिषेक लगातार जो है वो सवेरे से ही चल रहा है, लगातार अलग अलग भक्त अपने अपने तरीकों से भगवान भोलेनाथ को रिझाने का प्रयास करते थे। षष्ठी के पालनहार जो है अब भगवान भोलेनाथ है, क्योंकि सावन महीने में जो पालनहार भगवान विष्णु जो है वो सैया करते रहे, ऐसे में जो षष्ठी का पालन अब महादेव के पास है तो हर भक्त उनको रिझाने का प्रयास करता है। आमतौर पर भगवान महाशिव को महाशिवरात्रि पर विशेष पूजन अर्चन होता है, लेकिन सावन महीना भी बहुत खास होता है और उनके जो हलाल विष पिया था उसको शांत करने के लिए लगातार जो है पूरे सावन महीने में हर मंदिरों में जलाभिषेक जो है वो लगातार जारी रहेगा। बिल्कुल राकेश, और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, और आपका शुक्रिया, आप सभी का शुक्रिया इस तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए और खूबसूरत दर्शन करवाने के लिए। तो हम आपको लगातार अलग अलग जगह से तस्वीरें दिखा रहे थे सावन में किस तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जा रही है।